है। बहुत अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। इन्होंने अगरिया जाति जो वर्तमान स्थिति में जो दिखाई पड़ता है, ये विसंगति के कारण मन और मत में भेद पैदा करता है। पूछिए कैसे? इन्होंने प्रायोगिक रूप से फेस किया है। इस बात को चर्चा में लाना बहुत ही आवश्यक है। की अगर ये जाति से तो मैं संपर्क नहीं कर पाया, अभी तक के मिला भी नहीं। तो बताया गया था कि जो है महली है तो मैं मेरे को कहा गया था, तो हम कौन से में हो कि चोक हो कि महली हो कि अगर ये अभी मेरे कबीर धाम जिले में किसी प्रकार का भी बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है यहाँ पर। मन और मत और ये विसंगति के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ देखिए, रुक जाओ, वीडियो इसी समय रिकॉर्डिंग पहले करा। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हाँ ये समूह जो है बहुत हाँ विस्तृत है। एक हाँ आजकल देखते हैं कोई भी एक प्रशासन में हाँ कलेक्टर होता है, उसके ऊपर कमिश्नर होता है, कलेक्टर के नीचे डिप्टी कलेक्टर होता है, डिप्टी कलेक्टर के नीचे एसडीएम हाँ होता है, एसडीएम के नीचे तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार होता है, पटवारी होता है। इस तरह से डाउन द लाइन अप द लाइन, तो उसी प्रकार ये अगरिया समुदाय का भी वही चीज है, अप दी लाइन डाउन दी लाइन। क्या होता क्या था कि इनका, इस समुदाय के लोगों का एक विशिष्ट समुदाय था जो सभ्यता का विकास कर रहा था, सभ्यता की विकास कर रहा था। इनकी डिपार्टमेंट थी लोहा से संबंधित। लोहा बनाने के बाद में औजार बनेगा ना, औजार बनेगा उसको तो उसी को तो वो चोक धार करेगा ना। हाँ है कि नहीं? तो ये सब एक ही जीनियोलॉजी बोलते हैं उसको, वंशानुकरण के हैं। तो हम अपने मन में भेद बिल्कुल पैदा ना करें। ये चूंकि कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों को अध्ययन करना पड़ेगा पिछला इतिहास को जानने के लिए, लेकिन आज हम प्रायोगिक रूप में देख रहे हैं तो कितना बड़ा हम अपने अंदर में भेद और अपने मन में भेद पैदा किए हैं कि नहीं। वही है, हम में वही प्रदूषण है। इस चीज को हमको आज वो चौक अगरिया, महले अगरिया, आपने कुछ भी अगरिया बोल दिया, अगरिया लोहा अगरिया ऐसा कह दिया ना, लेकिन इसके उनके कोई माँ बाप होंगे कि नहीं होंगे? उनके माँ बाप होंगे, ऊपर में कोई होगा माँ बाप? तो उसका सभी का टोटल का माँ बाप जो है एक था, जिसको असुर कहा गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लिखित दस्तावेज में
असुर ही अगरिया है, वही है, सेम चीज है, किताबों में लिखा है। लेकिन अगर हम रियल में आदिवासी हैं तो इस जेनियोलॉजी इस वंशानुक्रम के ही है, अन्यत्र किसी के नहीं है। अच्छा ठीक है, आपने जो प्रश्न किया उसका आपसे ही मैं चर्चा करना चाहता हूँ। उसका माई बाप कौन है बताइए तो, चौखगरिया का माई बाप कौन है, माले अगरिया का माँ बाप कौन है बताइए तो, अगरिया का माँ बाप कौन है उत्तर इसका। फिर डिपार्टमेंट बदल दिया था, इसलिए भूमि संबंधी दस्तावेज को मानव शास्त्र मत मानिए, कभी मत मानिए, गलत चीज को, गलत परंपरा को अपनाइए मत, बिल्कुल मत अपनाइए। अगर इस तरह का है तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे समझाने का कि हम लोग सब एक हैं, हम लोग एक ही विचारधारा में चलने के लिए, इसीलिए हम लोगों ने इतना बड़ा संगठन हमने प्रयास किया है। इस तरह से अगर मन और मत भेद में करते रहेंगे तो हम वैसी टूटी फूट रहेंगे, वो अलग जाएगा, वो अलग जाएगा, वो अलग जाएगा, इसमें ये समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला है। इसका हम लोग तैयारी कर चुके हैं, प्रस्तुत करेंगे, बशर्ते आप सब लोगों का एकीकृत विचारधारा एक मत की इंतजार में है। कब एक मत हो जाए तब हम आगे बढ़े, यही हमारी योजना है। इसलिए यह हमारा अगरिया समाज का गौरवशाली दूसरा सम्मेलन है। पहला सम्मेलन डिंडोरी जिला के पुरेली ग्राम में हुआ था, इसमें बहुत सारे सदस्य सम्मिलित हुए थे, नहीं भी हुए थे वो भी सम्मिलित आए। और आज इस कोरबा जिला के लाबेद ग्राम भी इतिहास का दूसरा पन्ना, अग्रे समाज के इतिहास का दूसरा पन्ना आज लिखा जा रहा है। जो भी लोग इस तरह से विचारवृत्ति रखते हैं तो उनको हम प्रयास करेंगे, उनके मन में भेद को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। कुल मिला के आदिवासी प्रजाति है कि नहीं है, यहाँ पर प्रश्न उठता है। और हम आदिवासी प्रजाति के अलावा कुछ नहीं है, हमारे से अन्य आदिवासी प्रजातियां उत्पत्ति हुई है तो क्या हम गैर आदिवासी हो जाएंगे? जैसे कि अभी ट्रीट किया जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं, सब महसूस कर रहे हैं, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मेरा बच्चा क्या कोई ब्राह्मण हो जाएगा क्या? क्या मेरे बच्चे को ब्राह्मण का प्रमाण पत्र मिलेगा? इस तरह से बहुत सारी चर्चाएं हैं, अभी बड़े बड़े विद्वान लोग हैं तो अभी प्रश्न उठेगा, प्रश्नात्मक और इसका समाधानात्मक हम चर्चा कर रहे हैं। भाषणबाजी नहीं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। जैसे आपने अभी एक बहुत बड़ा समाधान निकाल करके दिया प्रश्न के माध्यम से, तो उनको हम जोड़ेंगे और वापस लाएंगे। हमारे पास अभिलेख है, हम प्रस्तुत करेंगे विसंगति को दूर करने के लिए कि हम एकत्रित हो रहे हैं। फिर मैं जब बाद में कोरबा के बालकों के पास बालकों में गया तो वहाँ थोड़ा सा मेरे को फिर इसमें थोड़ा सा मैच खाने लगा। फिर वहाँ चर्चाएं, फिर वहाँ चर्चा चलाया तो वहाँ फिर कुछ बात मिला कि जैसे कि वही मतलब अगरिया के अंदर ही चौक और महली निकल के आया है, इनका जो है कुछ लिखने में कुछ गड़बड़ी हो गया, ऐसा टाइप तो वहाँ पर चर्चा की थी। आपसे मैं एक और उत्तर चाहता हूँ, आपका गोत्र क्या है? मेरा मेरा भी
आदिवासी गोत्र है, गोड़ लोग भी लिखते हैं। हाँ, गोड़ लोग हाँ? वो आदिवासी प्रजाति है, भी लिखते हैं, बैगल लोग भी लिखते हैं। हम अगर अगर ब्राह्मण होते तो क्या लिखते हैं? तिवारी शर्मा मिश्रा शुक्ला ये लिखते द्विवेदी है। तो आप कोई नई बात नहीं है, ऐसा प्रश्न मत कराया करे। और चुपचाप अगर कुछ पता नहीं है तो चुपचाप रहे, हम लोग कर रहे हैं। और ज्यादा हल्ला करेंगे तो तमाकू जी से मिस किया तो मिश्रा लिख दिए, उठा के पटक दिए तो पाठक लिख दिए, उठा के फेंक दिए तो ऊपर से चौबे लिख दिए। ठीक है, उनको हम ये नहीं कर रहे हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक समझने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो और लोगों को भी मैं अवसर देता हूँ, ज्यादा बोल दिया लगता है। धन्यवाद सुने, बड़े बहन सुने, बहुत बहुत धन्यवाद।